नाउ वी आर डिस्कसिंग मेयरमेंट ऑफ प्रेशर प्रेशर जो प्रेसर हैं उनको कैसे मैयर किया जा सकता है देर आर सेवरल मैथड्स ऑफ डिटेक्टिंग प्रेशर नंबर नंबर वन साउंड टू हैलोद सेंटस लीक डिटेक्टर एंड प्रलोशन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा इन मैथड में से जो चीज़ यूज़ हो रही है वो साउंडस है साउंड की वजह से बहुत ज्यादा आपका इम्पैक्ट आता है इन चीजों के ऊपर और लीकेज डिटेक्टर ये दो वो कॉमन मेथड्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है देर आर मैनी पोटेंशियल काजिस ऑफ गैस लीक्स इसके ऊपर ज्यादा फोकस है हमारा द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर एज फॉलो नंबर वन कंटेमिनेशन नंबर टू ओवर प्रेशराइजेशन थर्ड एक्सेसिव टेम्परेचर फोर ऑपरेटर मिस्टेक्स जो पहला पॉइंट है कंटेमिनेशन और ओवर प्रेशराइजेशन एक्सेसिव टेम्परेचर और थर्ड ऑपरेटर मिस्टेक्स इन में से जो सेकंड और थर्ड है ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा है इन चीज़ों को देखने के लिए आपको मालूम है कि अगर ओवर प्रेशराइजेशन जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रेशर आप किसी चीज़ को देंगे ऑटोमेटिकली तो उस चीज़ के लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सेसिव टम्परेचर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वन टवेंटी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और उस चीज का टेम्परेचर वन फोर्टी हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से भी वो जो पाइप है वो जो लेन है आपकी उसके अंदर एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से लीकेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रिडक्शन ऑफ प्रेशर हैजर्ड्स हैजर्ड्स प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है नंबर वन इंस्टॉल वॉल्व सो दैट फेलियर ऑफ द वॉल्व डज नॉट रिजल्ट इन एन हैजर्ड अगर हैजर्ड्स हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पर मुख्त जगहों पर वाल्व होने चाहिए ताकि वो वाल्व उस चीज़ को उस किस्म की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं डोंट स्टोर प्रेशर कंटेनर्स नियर हीट आ सोर्स ऑफ एजनीशन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कभी भी आप लोग अपने कंटेनर को उस हीट वाली जगह के पास ना लगाएं या ना रखें जिसकी वजह से उसमें फर्दर किसी किस्म की प्रॉब्लम के पैदा होने के चांसेस हों ट्रेन एंड टेस्ट परसोनल्स डीलिंग्स विद प्रेसराइज वेजल्स वो लोग जो प्रेशराइज वेजल को डील कर रहे हैं उनको ट्रेन करें एजुकेट करें गाइड करें ताकि उन लोगों का एक्सपोजर हो इफ़ इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन अराइज हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन एग्जामन वेल पीरियडिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ जहाँ भी आपके वॉल्व यूज़ हो रहे हैं उनको पीरियडिकली इट इज़ डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट क्या डेली चेक करना है वीकली चेक करना है या मंथली चेक करना है क्वार्टरली चेक करना है सेमी एनुअली चेक करना है या एनुअली चेक करना है ये पीरियड टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी फिर उसके मुताबिक इसको इंश्योर करना है हमने ऑपरेट प्रोसीजर सिस्टम ओनली अंडर द कंडीशन फॉर विच दे वर डिज़ाइंड जिस काम के लिए जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिज़ाइन किया गया है डेजिग्नेट किया गया है उसको यूज़ करें ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर कोई मैनुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको टेक्नोलॉजी की मदद से होना था तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही होना चाहिए उसको मैनुअल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं अलाउ की जा सकती अब यहां पे उसको चेक करने के एस ओ पीज हैं चेक करने के एस ओ पीज को जब आप फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट बैटल हो जाएंगे रिलीव ऑल प्रेशर फ्रॉम द सिस्टम बिफोर परफॉर्मिंग एनी वर्क कोई भी काम करने से पहले उसका जो प्रेशर है उसको रिलीव करें उसके बाद उसको ग्रेजुअली इनक्रीज करें और जो भी लेन या पाइप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको यूज ना किया जाए लेबल प्रेशर सिस्टम कंपोनेंट्स टू इंडिकेट इंस्पेक्शन स्टेटस अगर किसी चीज़ को चेक किया है तो उसको इंस्पेक्शन स्टेटस हो चेकड अगर चेक नहीं किया गया इंस्पेक्शन स्टेटस हो अनचेक् अगर आप लोगों ने उसके प्रेशर को किसी लेवल तक अलाउ करना है फॉर एग्जाम्पल वन प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल तो वन प्रेशर की मैक्सिमम इंडिकेटर वहाँ पर हो उससे ज्यादा उसको चीज़ को यूज़ ना किया जा सके क्वन प्रेशर रिलीफ डिवाइस टू प्रेशर लाइन डोंट यूज़ प्रेशर सिस्टम की प्रेशर सिस्टम क्लीन की प्रेसराइज होस एज शॉर्ट एज पॉसिबल इनको बहुत लेंथी टू टूल देना लंबा रखना ऐसा नहीं पॉसिबल या बहुत कर्व उसमें हो लेन में ऐसा भी नहीं पॉसिबल इन चीज़ों को देखने के लिए उसके एस ओ पीज़ की फिर मैं बात करूँगा अगर आप लोग उसको प्रेशराइज़ करना है किसी चीज़ को उसमें प्रेशर के जरिए किसी चीज़ को गुजारना है उसके एसओपीज हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक उसको डेजिग्नेट किया जाए डिजाइन किया जाए कंस्ट्रक्ट किया जाए मैनेज किया जाए उसके रिजल्ट बेटर होंगे अब इस एस्पेक्ट में ये जो लास्ट एस्पेक्ट है स्काच में हमने ये देखना है अवॉइड बैंडिंग डॉपिंग आस्टिकिंग, प्रेराइज कंटेनर, सिक्योर पर्सनलाइज प्रेश सिलेंडर्स बाई अ चेन टू प्रिवेंट टॉपलिंग स्टोर इसीटाइल कंटेनर अप राइट एग्जामन लेबल बिफोर यूजिंग प्रेशराइज सिस्टम टू करेक्ट मैचिंग ऑफ गैसेज एंड इट्स यूजेस यूज डेड मैन स्विच ऑन हाई प्रेशर होस ये बेसिकली टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चों को हम टीच करते हैं हमारे मुतल मैनेजमेंट साइंस में इन में जो मैसेज है वो क्या है वो ये है कि अगर आप लोग रिडक्शन ऑफ प्रेशर हैजर्ड्स करना चाहते हैं तो इसमें जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके इंस्पेक्शन करवाएं बाकायदगी से प्रॉडिकल इंस्पेक्शन होगी ऑटोमेटिकली आपके डिजायर्ड रिज़ल्ट अचीव होंगे अगर प्रॉडिकल इंस्पेक्शन नहीं होगी तो आपके डिजायर्ड रिज़ल्ट अचीव नहीं हो सकते